अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। शामली पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, एक गिरफ्तार। शामली जनपद के कैराना में एक मकान पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से भारी मात्रा में बने वर्धवने हथियार सहित उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। एसपी विनीत जायसवाल ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि रविवार सुबह करीब 3:30 बजे कैराना कोतवाली पुलिस को क्षेत्र के ग्राम नंगलाराई में मकान के अंदर अवैध असलहा फैक्ट्री की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर जाकर छापेमारी की। पुलिस के मुताबिक मकान से 8 तमंचे, 315 बोर, 26 कारतूस, 2 राइफल, 1.25 बोर तथा कुछ अधभने हथियार सहित उपकरण बरामद हुए हैं। मौके से पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी का नाम नाजिम निवासी ग्राम नंगलाराई बताया जा रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सर, तमंचा फैक्ट्री पकड़ी गई है, एक आरोपी पकड़ा गया, क्या पूर्व मामला है? ये देखिए, थाना कैराना पुलिस ने सीओ कैराना के नेतृत्व में देर रात छापेमारी करके थाना कैराना क्षेत्र के नगला राई से एक तमंचा फैक्ट्री जो है बरामद की है। इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम नाजिम है। मौके से दूसरा अभियुक्त भागने में सफल रहा, उसकी भी तलाश की जा रही है, शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इस पूरे तमंचा फैक्ट्री में भारी मात्रा में अवैध असलहे की बरामदगी हुई है। इसमें 8 अवैध तमंचे हैं 315 बोर के, 2 इसमें राइफल बरामद हुई है 315 बोर का, इसमें 1 पौनिया बरामद हुआ है 12 बोर का, 26 कारतूस 315 बोर के जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त ढेर सारा जो ये तमंचा बनाने के औजार होते हैं, ग्राइंडिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन, आरी, तमाम जो है इस तरह के जो उपकरण है वो वहां से बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त 1,60,000 रुपए कैश वहां से मौके से बरामद हुआ है। इसी संबंध में ये बरामदगी करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इस अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। शीघ्र ही इसमें जो दूसरा वांछित अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर, कब से चल रही थी ये तमंचा फैक्ट्री? अभी प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में बात सामने आई है, ये 6-7 महीने से ये फैक्ट्री चलाना बता रहा है। बाकी अभी से और गहनता से पूछताछ होगी, इसके साथियों का भी नाम इससे पूछा जाएगा कि ये क्या इसका मोडस ऑपरेंडी था, ये कहां सप्लाई करता था, और इन एक एक चीज को तस्दीक किया जाएगा। सर, पहले भी फैक्ट्री पकड़ी गई है, ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जिस जो फैक्ट्री संचालक है या फिर एक तरीके से? देखिए, अभी 1 महीने पहले भी एक तमंचे की फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जिसमें शासन स्तर से 50,000 रुपए का इनाम भी जो है थाना कैराना पुलिस को दिया गया है। लगातार ये नियमित रूप से निरंतर ये अभियान चलेगा और इसको पूरी तरह से हम कंट्रोल करेंगे, और जितने भी नाम और नई सूचनाएं हमें मिलेंगी मुखबिर डेवलप करके लगातार इन पे कार्रवाई होगी।